अभी कॉले हाँ आरजेडी वाला जो है मुजरा कर रहता यो मौसे मुजरा लेकिन प्रधानमंत्री जी एक और शब्द बा मौसे महंगाई एकरा पे ना बोलो प्रधानमंत्री कह रहे कि जेल भेज देंगे तेजस्वी के मेरा दोष क्या है कि गरीब की आवाज को उठा रहे हमने नौकरी दिया क्या दोष है प्रधानमंत्री जी की आपको हमने सड़क पे ला दिया रोजगार के मुद्दे पर ये हमारा दोष है बिहारी युवा से आप घबरा गए आप डर गए और आप कहते हो जेल भेज दे इसका क्या मतलब है कि सब पॉकेट में बाबा कोर्ट का कोई मतलब नहीं रह गया अरे मोदी जी जब हमार बाबूजी लालू जी तोरा से ना डराइले तो लालू जी के लड़का डरा जाई बिहार और बिहार झारखंड और दिल्ली नहीं खे एक बार हाथ लगा के तो दिखाओ हम लोग उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगावे ला जानते हैं अब बाहरी नहीं चलेगा यहाँ बाहरी नहीं चलेगा यहाँ स्थानीय कैंडिडेट चाहिए बाहर से ही लोग ले आता है हर बार अब बाहर वाला नहीं चलने वाला है देखिए बैठ के ही बोलना पड़ रहा है आप सब लोग जान रहे हैं हमारे हड्डी में चोट है डॉक्टर लेकिन जब हमारे संविधान पर हमारा आरक्षण पर लोकतंत्र पर गंगा जानी तहजीब पर जब खतरा बा तो तेजस्वी बैठे वाला ना बा बेड रेस्ट अब तभी ली बेड रेस्ट अब तभी ली जब नरेंद्र मोदी जी के बेड रेस्ट करा दे तो माहौल टनाटन बाकी ना मिजाज रखा टनाटन 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 नौकरी मिली फटाफट 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 बहनों के खाता में लाख रुपए आई खटाखट 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 अब भाजपा हो जाए सफा चौट सफा चौट सफा चौट और लालटेन पर वोट गिरी ठकाठक 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 तो देखो असल मुद्दा बेरोजगारी बा महंगाई बा गरीबी बा लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी आ करके बिहार 10 साल के हिसाब हमनी के जो होतनी और अगला 5 साल क्या करिए इन पे बात ना करे लोन क्या बोलत रहे प्रधानमंत्री जी मौस से मटन मौस से मछली मौस से मंगलसूत्र माँ से मंदिर माँ से मौज और अभी कॉले हाँ आरजेडी वाला जो है मुजरा कर रहता यो माँ से मुजरा लेकिन प्रधानमंत्री जी एक और शब्द बा माँ से महंगाई एकरा पे ना बोलो ये मटन मछली मुजरा मंगलसूत्र से काले के बा बताइए कौन काम बा महंगाई से लेवे देवे ना महंगाई कम हो के चाहिए कि ना हो के चाहिए पहले 2014 में पेट्रोल डीजल कितना रुपया था 60 रुपया अब सेंचुरी पार बा गैस सिलेंडर 400 रुपया होत रहो अब 1200 के ऊपर थाली में हर चीज महंगा हो गया इस पे प्रधानमंत्री ना बतियावे ले खाली समाज में आके जहर बोवे ले एगो कोनो काम किए हो बक्सर के लिए तो बता डुमराव की जनता बतावा एगो काम जो प्रधानमंत्री डुमराव के लिए अगर किए हो तो वो हमरा के बता दा कोनो काम कोई काम नहीं किए होंगे प्रधानमंत्री जी डुमराव के लिए लेकिन तेजस्वी जब 17 महीना उप मुख्यमंत्री था तो 5 लाख लोग को सरकारी नौकरी देने का काम किया 3 लाख नौकरी प्रक्रिया धीरे
जातीय दराज गन्ना कराए आरक्षण के 75% किए, पिछड़ा भाई के, अति पिछड़ा भाई के, आदिवासी भाई के, दलित महादलित भाई के आरक्षण के सीमा को बढ़ाया हमने। हम लोगों ने आईटी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, हम लोगों ने सारा काम किया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, मानदेय को दुगुना किया, सारा काम जो किया जो 17 साल में नहीं हुआ था उसको हम लोगों ने 17 महीने में करके दिखाने का काम किया। आज आप लोगों के बीच आए कहने के लिए मेरे डुमराव की जनता, हमने नौकरी दिया, हमने काम किया, आपकी सेवा की। अस्पताल में रात भर छापा मारते थे कि डॉक्टर आ रहा कि नहीं आ रहा, दवा मिल रहा कि नहीं, इलाज हो रहा कि नहीं हो रहा। तब प्रधानमंत्री बिहार आकर के कहते रहे कि तेजस्वी के जेल भेज देंगे, प्रधानमंत्री कह रहे कि जेल भेज देंगे तेजस्वी के। मेरा दोष क्या है कि गरीब की आवाज को उठा रहे? हमने नौकरी दिया, हमने महंगाई बेरोजगारी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका आय दुगना हो, इसलिए यही दोष है। क्या दोष है प्रधानमंत्री जी की? आपको हमने सड़क पे ला दिया रोजगार के मुद्दे पर, ये हमारा दोष है? आप 75 साल के बुजुर्ग हैं, हम बेटे समान हैं, 35 साल मेरा उम्र है। आप 35 साल के नौजवान बिहारी युवा से आप घबरा गए, आप डर गए और आप क्या तो जेल भेज दे, इसका क्या मतलब है कि सब पॉकेट में बाबा, कोर्ट का कोई मतलब नहीं रह गया, जांच एजेंसी का कोई मतलब नहीं हो गया। प्रधानमंत्री का जिससे डर लगता है उसको जेल में डाल दो, उसको बाहर निकाल दो, उसका केस खत्म कर दो, इसको भ्रष्टाचारी बना दो, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, हेमंत सोरेन को डाल दो, राहुल गांधी को डाल दो, तेजस्वी को डाल दो। अरे मोदी जी, जब हमार बाबूजी लालू जी तोरा से ना डरैले तो लालू जी के लड़का डरा जाई। बिहार और बिहार झारखंड दिल्ली नहीं छे, एक बार हाथ लगा के तो दिखाओ। हम लोग उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगावे ला जानते हैं। आप बताइए, हमारी मालिक आप हैं, जनता आप हैं, फैसला आपको करना है, इसलिए आप मालिकों के बीच आए। बीजेपी हार गई और हम गारंटी देते हैं, मोदी जी क्या चीज का गारंटी दिए कि तेजस्वी को जेल भेजेंगे और तेजस्वी गारंटी देता कि आपको नौकरी देगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज तेजस्वी डुमराव के लोगों से कहने आए तुम हमें वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। हमारी सरकार बनते ही 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलना शुरू हो जाएगा फटाफट। गरीब परिवार की बहनों के खाते में साल में एक बार 1 लाख रुपया हम लोग डालेंगे खटाखट, यानी हर महीने हमार गरीब बहन के मिली 8,333 रुपया सीधे खाता में। और सबसे पहले अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे हम लोग। अग्निवीर योजना को बताओ ना, शहीद का दर्जा है उसमें, ना पेंशन है, ना कैंटीन का व्यवस्था है। आई मोदी जी सोचो तरह की मिलिट्रियों में अग्निवीर ले आए, पुलिसों में अग्निवीर ले आए, सोचो ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगा, ना कैंटीन की व्यवस्था मिलेगी। इसलिए सबसे पहले हम लोग अग्निवीर योजना को खत्म करने का काम करेंगे और पहले जैसे सेना में बहाली होत रहल वैसे ही बहाली हमनी के कराए। और 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलेगा, 200 यूनिट फ्री में बिजली और क्या मिलेगा, गैस सिलेंडर 500 रुपया हो जाए और हमारे किसान लोग के 10 फसल पर MSP हम लोग लागू करेंगे।
ये सारा हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो भाई सुधाकर जी को आप लोग जिताइएगा ना, रवा लोग हाथ उठा के बताओ जिताइबा कि ना। देखा ये लड़ाई एकदम जीते के हो, एक राय के हो, बटिया मत अभी आप फरिया लीजिए, बटिया के एक रहिएगा। बताओ तेजस्वी का बात मानिएगा कि नहीं मानिएगा, हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए। सब लोग पीछे से सब लोग हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। तो सुधाकर जी के विजय के माला पहना दो, जाओ लीजिए पहना दिए। चुपचाप भाजपा भगाओ। अब बाहरी नहीं चलेगा, यहाँ बाहरी नहीं चलेगा, यहाँ स्थानीय कैंडिडेट चाहिए। बाहर से ही लोग ले आता है हर बार, अब बाहर वाला नहीं चलने वाला है। और आपसे हम कह देते हैं, हम खाटी बिहारी हैं, गुजराती से डराते नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, डुमराओं की जनता जिंदाबाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।